हेलो टीम, अभी हम देख रहे हैं होलोनॉमिक रोबोटिक स्ट्रक्चर, जिसके लिए हमने फोर ओमनी व्हील्स यूज़ किए हैं और फोर्स बो मोटर यूज़ करी हैं ऑफ 100 RPM। इस रोबोट को मूव करने के लिए हमने आर्डिनो का मोटर ड्राइवर शील्ड यूज़ किया है, जिसको हमने कनेक्ट किया है HC05 IC के साथ, मॉड्यूल के साथ में, जो कि एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है। एंड पावर सप्लाई के लिए हमने यहाँ पे दो LiPO बैटरीज यूज़ करी है, 3.7 वोल्टेज 2600 mAh की। सो मोस्टली हमने देखा है कि जो भी रोबोट के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड जाते हैं, बैकवर्ड आते हैं, और जब हमें उनको रोटेट करना होता है तो हमें उनका रेडियल रोटेशन या एक्सिस रोटेशन करना पड़ता है, जो कि एक काफ़ी एरिया लेते हैं। बट हाउ अबाउट जब हम अपने रोबोट को फॉरवर्ड रोटेट कर सकें, बैकवर्ड रोटेट कर सकें, और हमें इसको स्लाइटली राइट और स्लाइटली लेफ्ट रोटेट करना हो, उस केस के अंदर हमारे ओमनी व्हील्स काम आते हैं, जो कि डायगोनली कनेक्टेड हैं रोबोट के स्ट्रक्चर के अंदर। और बेसिस एंड बिकॉज ऑफ दिस हम अपने रोबोट को डायगोनली लेफ्ट 45 डिग्री में और डायगोनली राइट 45 डिग्री में भी रोटेट कर सकते हैं। सो अब हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। इसके लिए हमने ब्लूटूथ आर्डिनो कंट्रोल के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, हमने यहाँ पर HC05 को कनेक्ट कर लिया है। का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। सबसे पहले हम डेटा सेंड करते हैं 1, जो कि एक राउंड है, हम देख रहे हैं ये राउंड रोटेशन कर रहा है। अब हम अनदर डेटा सेंड करते हैं, इसको रोक देते हैं, ये रुक गया। अब हम 2 सेंड करेंगे, जो कि लेफ्ट एक्सिस पे जाएगा। अब हम डायगोनली चेक करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है 3। अभी हमने डायगोनली लेफ्ट देखा, अब हम डायगोनली राइट देखेंगे, जिसके लिए हमें इंसर्ट करना है 4।